पीपल वॉन्ट टू लिसन टू यू। सी, मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादा करके देसी है, तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू फ्लॉन्ट माई लैंग्वेज बिकॉज Then देयर इज नो why the पॉइंट. fuck are you flaunting now? Why the fuck are you flaunting now? No, because you are interrupting me, that's why. And see, now I'm going to Sri Lanka, so there will be international crowd. So if I want to get interacted with Sri Lankan, as most of the Sri Lankans speak Malayali language, so it would be easier for me if I communicate with them in English. And that is one of the reasons I'm speaking in English, so people who understand the language can come there to meet me up. क्या बोल गया बहन के लड़ तू इंग्लिश की माँ चोदी। अरे माँ नहीं, इंग्लिश की मम्मी चोदी, ऐसे कहो. किसको दीपक की इंग्लिश अच्छी लगती है यार। लवली सिंघानिया बोल रहा है धोन पीएस ऐड कर। प्रीति चौधरी बोल रही है तुमको आज मैंने ओयो में देखा था। अरे तेरे को देखा था क्या दीपक इसने? अच्छा, तुम श्रीलंका क्यों गए थे और कितने दिन गए थे? तो दीपक श्रीलंका में मेरा एक बिजनेस है, यू नो कि आई डील इन डायमंड्स एंड ऑल, सो आई गॉट माय बिजनेस इन श्रीलंका, तो So, थोड़ा आप आना गए हो जाना यहाँ पे जरूरी। बाली कैसिनोज में? आप गए हो बालीज कैसिनो? आई गो देयर वेरी ऑफन यार। आई मीन मेरे चलता रहता है, गैम्बलिंग वैम्बलिंग में करता हूँ, तुझे पता ही है यार। मतलब दैट्स व्हाट आई रियली लाइक टू डू एंड यू नो इट मैन। ओके, सो व्हाई डोंट यू कम टू श्रीलंका देन, ज्वाइन मी, वी कैन हैव गाला टाइम. When are you going to Sri Lanka? आई एम गोइंग ऑन 24th. And how are you going there? Of course, by flight. Don't lie. Okay. एक बात बता, ये जो टिकट बुक कराया आई थिंक यू वुड बी टेकिंग जेटी फ्रॉम कोचीन अरे और मे बी लाइक यू नो फ्रॉम तिरुवनंतपुरम. अरे सुन ना सो यार, लेकिन तूने 7 महीने पहले टिकट करा ली तूने उसकी? 7 महीने पहले करा ली होंगे ना टिकट तूने श्रीलंका की? आई थिंक दिस इज टाइम टू शो योर प्लेस एंड दिस इज टाइम टू सिट यू डाउन सो यू कैन बी काम एंड रिस्ट्रेन बिकॉज यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ ब्ला 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 आउट हियर. सो रादर देन यू नो ब्लैबरिंग, आई वुड बी हैप्पी इफ यू वुड बी मम सिटिंग डाउन. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस, दीपक अरार इज अ जेन्युइन गाय। ठीक है, जो भी करता है मजाक वजाक करता है, दैट्स ओके। ठीक है, मस्ती वस्ती चलती रहती है, बट इससे मैंने सीरियस टॉक्स भी किए हैं एंड ही इज एन अमेजिंग गाय यार। ठीक है, तो इसकी सब रिस्पेक्ट करो और इसके सारे के सारे इसके टट्टे के नीचे बैठो। ठीक है, दैट इज वॉट आई वॉन्ट एवरी वन टू डू। ठीक है, लुक एट हिज फेस, हाउ चार्मिंग, हाउ हैंडसम, What a beauty he is. Just look at his face. Look at the specs he's wearing. I mean, come on, guys. How can you hate this guy? Such an amazing guy. एक मिनट, मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ है बालीज कसिनो के बारे में. मैंने यहाँ पे मेरा कमेंट पिन किया, आप देखो नीचे, और आप कम गूगल कर टू सकते हो बालीज श्रीलंका कसिनो के बारे में, श्रीलंका के बारे में. और जितने बैलिस लोग कसिनो। हैं वो या ये लाइव देख रहे, जल्दी से आपके फ्लाइट्स के टिकट बुक करें. और बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पे है, स्प्लिट्स विला की अजमा फल्ला है, उसके बाप भी रितु शिवपुरी है, अबे वो के कहां से बाप में नेहा सेलिब्रिटी? शर्मा वो है. अच्छा एजाज खान है, एजाज खान। नो, आई थिंक ही इज इन जेल, एजाज खान. अबाउट राखी सावंत, इज शी देयर? नो, शी इज नॉट देयर, बट शी इज एंटरटेनिंग ए नाइस पर्सन. हु इज दैट पर्सन? सो डोंट अबे कंपेयर दीपक राखी एंड एजाज. नो, आई सुना मीन सुना, राखी इज अ नाइस पर्सन. अरे वो वाली स्टोरी बता ना, खली के टट्टे वाली स्टोरी जो तेरे माथे पे ही हो रखा है। या व्हाट इज हैपेंड टू यू मैन? डोंट यूज सच काइंड ऑफ फाउल लैंग्वेज. हेलो, हाउ आर व्हाट यू? हैपेंड टू यू? आई एम ओके और भाई, पारस जी कैसे हो, कहां पर हो अभी आप, अमेरिका में हो या इंडिया में? वही अभी मीटिंग कर रहा हूँ। बस ठीक, यही भाई पारस श्रीलंका जा रहा हूँ. कुछ प्लान है आपका श्रीलंका आने का? आओ मिलते हैं वहां पर कैसीनोज.
श्रीलंका का नहीं, अभी कैलिफोर्निया सैंडियागो जाऊंगा मैं, काम है थोड़ा। अच्छा सैंडियागो जा रहे हो? मेरा थोड़ी मीटिंग है काम से, वर्क के रिगार्डिंग। अरे लेकिन तुम घर में बागबान खेती का काम करते हो और उसके बाद में मुर्गों के अंडे, मुर्गों के अंडे जो है उसको इकट्ठा करना, उसके बाद में फिर बागबानी करना, तो तुम कहाँ वहां पे सैंडियागो जा रहे हो कैलिफोर्निया में मीटिंग के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे बत्तख के अंडे बिकते हैं ना, वहां से 15 बत्तख लेके आऊंगा उड़ने वाली, और फिर वो भूखी रहेंगी तो फिर उड़ के वापिस जाएंगे। अच्छा दिखाओ सर आपका ये जिम, दिखाओ जिम और काफी अच्छा जीन बना के रखा है। जितने भी लोग हैं, पारस भाई जो है वो मिजूरी में रहते हैं यूएसए में, और उसके बाद में इनका खुद का जीन है और काफी लैंड वगैरह है वहां पे, और काफी इन्होंने तरक्की की है। और बस अरे भाई साहब बैठा हुए थे, अच्छे अच्छे मैसेज आए हुए थे। दीपक जो भी तेरी लाइफ पे है ना, उसने गाली जरूर खाई है मेरे से भाई। ये कमेंट में जाता है, वहां पे कमेंटों में जाके लिखता भाई मैं हीरे बेचता हूँ भाई, हीरे ले लूँ उससे, और बाद में पता लगता है मुर्गी के अंडे बेचता भाई। हीरे को, हीरे का तो पता नहीं भाई मैं, लेकिन लोगों की गौंड में खीरे जरूर देता हूँ, दीपक से पूछ ले भाई। जो दीपक के साथ रहता है ना भाई, दीपक उसी को ऐड करता है एक बार, तो उसको छाती की छुट्टियां दिखा रखी होती। बट एक बात तो माननी पड़ेगी पारस, तेरे जिम की कसम और जो तेरी मोटी वाइफ है उसकी कसम खा के बता, दीपक इज अ हेल ऑफ एंटरटेनर भाई, ये तो तू मानता नहीं मानता है। तेरी मम्मी को भी भेज दे भाई, उसको 15 बच्चे कर दूंगा भाई, बता। अच्छा तूने किस लिए वहां पे अमेरिका में तूने क्या कर रहा है, तू शादी करके तेरे को सिटीजनशिप मिल गई ना वहां पे? अपनी बहन को भेज दे भाई, तेरे को साले बनाने का टाइम आ चुका है, तेरे को भी बुलाऊंगा। सही है भाई, सही है, सही है, मोटी के साथ शादी करके बहन जो तो बकचोदी मार रहा है उधर। तो अपनी मम्मी को भेज देना, उसको पतली कर दूंगा। और तेरी तेरी मम्मी का इंडिया में ख्याल कौन रखेगा फिर? मेरा तो मेरे ब्याह पे है, तेरी माँ को भी रख लेगा, बता जिसका नाम है बाली कैसीनो। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अमेरिका से हैं और ये भाई भी पायलट रह चुके हैं, सो देर इज नो पॉइंट यू नो आर्गुइंग इन सच अ बिहेवियर विद सच अ बैड मैनर। स्टॉप यूजिंग ऑल दिस फाउल लैंग्वेजेस एंड यू नो ईल वर्ड्स एंड ऑल दैट, एंड टॉक समथिंग पॉजिटिव मैम। लाइफ यू ओनली गेट वंस, be with positive people, behave in a positive manner and then enjoy your life, have gala time, right? There's no time for gala. aur deepak kab ja rahe ho? aur abhi recently aap kab aaye the india mein? main bhi aaunga january mein, aaunga last week january. okay okay, to january mein wahi hoga ya kahin aur? sri lanka mein नहीं, जानेवरी में गोवा में रहूंगा क्योंकि गोवा का जो क्लाइमेट है वो मेरे स्किन के लिए जानेवरी अच्छा है, मेरे बॉडी के लिए। ओह, गोवा जो है वो टाइम जरा ठंडा होता है, बाकी के पहले दिसंबर और जानेवरी गोवा ठंडा होता है, बाकी के दिन वो बहुत गर्म होता है, और तब मेरे तन बदन में वो सब गर्माहट जो होती है वो सह नहीं पाता हूँ मैं, बहुत मुझे मुश्किल होती है। वो एजे सिंह यार जो तेरी मिमिक्री करता है, व्हाई डोंट यू ऐड हिम यार, वो भी सही यार, इसको इसको नीचे बैठा यार, इस पारस को नीचे बैठा है अंकल को। नो नो, पारस इज अ नाइस पर्सन एंड ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड आई कैन डू दैट, आई जस्ट कैंट। I love your accent, man. I just can't. What an accent you got, man! I'm just amazed, yaar. I mean, come on, yaar. People like you live in India. I'm just amazed. Don't say I'm amazed. You have to say that I'm flabbergasted. I'm flabbergasted, man. Seriously, I must say. अबे पारस तू अंग्रेज है ना अबे, तू यूएस में रहता ना, तो why don't you talk in English, man? भाई मैं हरियाणा से हूँ भाई। हरियाणा तो मैं भी हूँ भाई, लेकिन तू अंग्रेजी में बात कर रहे हैं यार। रहन तो तू लग रहा है स्टेट्स में, अरे तू बात नहीं करता अंग्रेजी में भाई, क्या चक्कर है? राड़ा तक कर रहा है तू, मैं हम तो कर रहे हैं भाई ना, तो
दीपक तेरे को हरियाणवी लड़की भाई, कितने पसंद है बता भाई थोड़ा सा। एक बार बताऊं इंग्लिश बोल के। नहीं, हरियाणवी लड़के बहुत अच्छे होते हैं और उसके बाद में उनका जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो ऐसे टुच्चे नहीं होते हैं और खुल के हंसते हैं वो लोग। अगर कुछ जोक भी होता है तो बाकी के स्टेट के लोग स्माइल करेंगे बट हरियाणवी लोग ऐसे करके खुल के हंसेंगे, तो मुझे बहुत पसंद है। राइट राइट, एक बार राइट बोल दीपक, राइट राइट। That's how you say it, guys. It's not right. It's right. That's how you say it. And it's not neat. It's neat. Neat. Right, right. That's what I've been saying, man. अच्छा चलो अच्छा ये तो मैंने ऐसे कहा, ऐसे नहीं कहा। That's what I'm saying. ना, saying ना. यार ये ना वाला काम तो पारस बोल के दिखा सकता है एक बारी। पारस बोल के तो दिखा तेरी स्टेट्स वाली अंग्रेजी में यार। भाई ऐसा है, अपनी माँ को भेज दे मेरे पास, इसको मेरी दिखा देगा। अरे तेरी माँ आड़े बैठी मेरे दोस्त का क्या करूँ मैं, उसका तो इलाज बता पहले। उसका तो इलाज मेरे बाप ने टोए रखे, तेरी माँ ने भेज दे, उसको उठो देगा तेरे। आजा तेरी तेरी मोटी का भी इलाज उठो दू मैं। आजा भेज दे मेरे दोरे, भेज दे तेरे दोरे। हैं हरियाणा में कितने करनाल में तू रहा है तो इसके नाल कुछ तो करना होगा मुझे, अगर ये करनाल से है तो इसके नाल कुछ तो करना होगा, कुछ तो कर ले। अरे पनोड़ी का करना, नीचे पनोड़ी बैठा दीपक एक बात सुन, एक बंदा उसको ऐड कर यार, वो बंदा कॉल कर रहा हूँ लवेश ठाकुर को, लवेश को मैं ऐड कर रहा हूँ। लवेश कर, लवेश कर, एक सेकंड रुक मैं कर रहा हूँ फिर। लवेश एक बार को ऐड कर लेने से तू कर दे, लवेश को ऐड कर लियो तू, एक सेकंड रुक यार मेरे में तो ऐड भी नहीं दिख रही है। पनौड़ी तो मुझे नहीं दिखा रहा है, पनौड़ी की आईडी कौन सी है? पनौड़ी के नाम से या लविश को ले ले, लविश भी ठीक है। यस एक बार मैसेज करनी चाहिए यार, फिर मैं टैग करता हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा था। ठीक है चलो, शर्मा मंजू को ऐड करता हूँ, मंजू दीदी को ऐड करता हूँ मैं। मंजू से तो मिला था, मंजू दीदी वहां आए थे, लविश काम पे उसका मैसेज आ गया। मंजू दीदी भी बीच में, हेलो मंजू दीदी, कैसी हो? कैसे हो? कैमरा बंद है, इसका मतलब आप न्यूजीलैंड में नहीं हो, नहीं तो आप तो जूम कर करके दिखाती न्यूजीलैंड। कोई नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ। तो अभी मुझे लगता है इंडिया में 1 BHK में हो, इसीलिए। तुमने फिल्म देखी मेरी नई जियो सिनेमा पे, ट्रायल पीरियड? क्या है फिल्म का नाम? ट्रायल पीरियड। पीरियड्स? अब तो OMG आ गया। कास्टिंग क्या क्या है? खुल के बात करो। OMG आ गया। फिल्म देखिए जिसमें आप सोनम कपूर की रिलेटिव हो। मामी मामी। हाँ तो ये जो इसमें स्टार कास्ट क्या क्या है ट्रायल पीरियड में? हाँ शक्ति कपूर, गजराज राव, शिवा चड्डा, जेनेलिया, इसका डिसूजा, अब तक तो द्रेवो हो गई है, देशमुख हो गई है, और मानव कौल एंड मंजू शर्मा। लेकिन ये सब एक्टर सभी जिंदा है या कब्र से खोद खोद के लेकर आ रहे हो? क्योंकि नाम तो मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने सुने थे ये कलाकारों के नाम। देखो जब हम छोटे थे हमने दीपक कलाल सब भी सुना था और आज भी सुन रहे हैं। तो इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई? बॉम्बे। तुम्हें बताया तो था वो तुम्हारा वो कौन सा कॉलेज था जब तुमने कहा था वो घाट कोपर में था ना कॉलेज एक, तो माया सोमैया। हाँ अच्छा अच्छा वहां पे। ओके और कभी श्रीलंका गई हो? नहीं
इतने भाग्य हमारे कहाँ, इतने अमीर कहाँ है, हम सिर्फ न्यूजीलैंड और या फिर यूरोप जा सकते हैं, दो जगह जा सकते हैं, न्यूजीलैंड और यूरोप। वहां जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पैसा नहीं है मेरे पास रे बाबा। लगता है तुम्हारा ये ताना जो है इसका मुझे जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे में मर जाऊंगी इससे पहले। तुम दो जगह जाती हो, न्यूजीलैंड और लंदन। क्या वो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि तुम ये दो जगह पर ही जाना पसंद करती हो? राइट। क्या समानता है जरा, मैं भी तो जाना। मम्मा, तुम्हारी मम्मा कैसी है पहले ये बताओ। चलो छोड़ो ये सब चीजें, मम्मा कैसी है बताओ। मम्मा अच्छी है। और पारस भाई आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन, आप बताओ कैसे हो? ये तो ऐसे पूछ रही है जैसे गले में स्टेथोस्कोप डाल के बैठी है गायनों को साजिश बन के। अरे जनवरी में तुम भी पंजाब के आसपास हो और मैं भी हूँ 30 जनवरी को। मैं 20 जनवरी को न्यूजीलैंड से आऊंगी और 30 जनवरी को होशियारपुर में शादी है। किसकी शादी है? मेरे भतीजे की, मयंक भारद्वाज। वो जो लड़का मिला था वो? हाँ वो न्यूजीलैंड में रहता है ना, क्राइस्ट चर्च में रहता है। बहन के भतीजे को मिला था भाई, अच्छा लड़का था। हाँ की शादी है 30 जनवरी की वहाँ पे होशियारपुर में, तो हम लोग वहीं पे ही होंगे। तो ऊपर ये जो धुआं बैठा हुआ ये भांड है, ये शादी में भांड का एक्टिंग करता है, इसको भी लेके जाओ थोड़े दो पैसे, ये भी कमा लेगा, गाना गाता है भैया। हम तो इनको जानते ही, हम क्या बोले इनके बारे में। पारस भाई को जानती हूँ, मिली हूँ पर्सनली। और ये दुहाल की जो माँ है वो रुदाली है, रुदाली पता है ना क्या होता है? अच्छा दीपक की काम कर, दीपक के काम कर, ये एक नीचे एक बंदा है @q_yar_yash, उसको ऐड कर, उसको तेरे से बात कर रहे, तेरा बहुत बड़ा फैन है वो, बॉडी बॉडी वाला बंदा है, तो काफी टाइम से बोल रहा है तेरे से बात करनी, एक बारी बात कर ले उससे। मैंने देखा अभी एक कमेंट किया है उसमें, चेक कर आईडी क्या है, @QKYUKYU_YAAR। चल मैं देख, मैंने कमेंट किया नीचे, देखना एक बारी कमेंट चेक कर। चल ठीक है मैं चलता हूँ। जय श्री राम। नहीं नहीं रुको ना, रुको रुको। जय श्री राम। जय, एक बार अच्छी करिए तूने पारस, जय श्री राम बोला बस तूने, ये बात ठीक करिए। यूएस में देख उसको कहो कि नीचे पारस मत जाओ, रुको तुम, उसको कहो कि नीचे कमेंट करे। अरे पारस भाई ना नीचे कमेंट करे यार, एक बार पार्ट भी कराते थे इस पे इंस्टाग्राम पे ना, बहुत अच्छा काम करते थे। चलो बढ़िया बात है, तो ये तो अच्छी बात है, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वेरी गुड यार। वो तो करते हैं भाई, रिक्वेस्ट अप्रूव कर देना इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एज ए हिंदू भी सबको करना चाहिए भाई, जय श्री राम कहने में जिसको, देखो एज ए हिंदू भाई सबको वही सोचना चाहिए भाई कि अपने सनातन धर्म के बारे में सोचो और अपने सनातन धर्म का प्रचार करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये दीपक की लाइफ के थ्रू मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो कृष्ण है हमारे भगवद गीता में साफ साफ लिखा गया है कि आप हिंदू धर्म का प्रचार करो और उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है? सबको करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए चीज। अच्छा एक मजाक की बात अलग है, सब करके हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं श्रीलंका में हूँ तो मैं मंजू दीदी की जगह पे उन्हें ऐड कर रहा हूँ, उनका नाम है लव सिंघानिया। उनका मैसेज आया है कि वो श्रीलंका में ही है। इसको ऐड कर तू, वो जो बोल रहा हूँ तेरे को, क्यों यश करके @KYU करके डाल दी, फिर अंडरस्कोर यश रहेगा, ऐसा कुछ है, देखते रहे उसमें व्यूवर्स में रहेगा वो, आई थिंक तुझे पता है यहाँ पे विवेक कभी खड़ा, इंडिया का जो हिंदू धर्म का लड़का है विवेक रामास्वामी, एज ए प्रेसिडेंट खड़ा होने। हेलो, अरे बाप रे, हाँ सच्ची। हेलो कैसे हो तुम, अभी कहाँ पर हो भाई? मैं श्रीलंका बीच पर, अरे दिन है भाई। कहाँ पर हो? श्रीलंका हो? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं इस टाइम इंग्लैंड ब्राइटन में हूँ, मैं वो आपको ऐड करवाने के लिए कर रहा था यार, इतनी देर से मैं कहा भाई ऐड करेंगे ऐड करेंगे, भाई आप ऐड ही नहीं करते हो। तो आप श्रीलंका आ रहे हो हमारे साथ? यार मैं श्रीलंका में बहुत ज्यादा, अभी मैं देखता हूँ कि फ्लाइट का क्या हिसाब बनता है, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं बिल्कुल पक्का यार 100% श्योर कि मिलने आऊंगा।
देखो 25, 26 और 27 को मेरा शो है, 25 और सब सेलेब्स आने वाले हैं वहां पे। हाँ, मैंने देखा था आपकी प्रोफाइल में, मैंने काफी टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने आप पढ़ा था उसको पूरा कि आप आन लग रहे हो, तो फिर मैं कहा चलो देखे यार, मैं कहा क्या बनता है, फिर उस हिसाब से यहाँ पे ना बुकिंग बहुत काफी मुश्किल मिल रही थी, तो यार हो नहीं पाया। पर भाई जितने भी अपने भाई है सबको मैं एक ही चीज कराऊंगा, भाई दीपक भाई को फुल सपोर्ट करो यार, जितने बंदे हो सकते हैं उतने बंदे जाओ यार देख। और बाकी और आप क्या करते हो इंग्लैंड में? मैं इंग्लैंड में अपना एक यार छोटा सा बिजनेस है चिप्स एंड फ्राइज का, बाकी देखते हैं अपना धीरे धीरे बढ़ेगा यार आगे भी। नहीं नहीं मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ये मिले, सक्सेस मिले तुम्हारे बिजनेस में, और जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। ये नहीं है कि हमेशा पोटैटो चिप्स फ्राई कर करके बेचोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैक्ट्री हो और जिसमें पैकिंग के साथ पूरे यूरोप को चिप जाए। बिल्कुल बिल्कुल यार, फिर उसके बाद अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो भाई बिल्कुल आपको बुलाऊंगा यार। तुमने छोटे पैमाने में ये बिजनेस चालू किया है लेकिन 20-25 सालों में ये बहुत फैल जाएगा, याद रखना मेरी बात। अरे एक काम करियो, दीपक को बुला के दीपक की कार में डाल दियो चिप्स उस बैंक को। अरे यार ऐसे क्या बोल रहे यार दीपक भाई यार, मुझे यार, आपका एरिया दिखाओ। मैं काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था, बस दुआन भाई आप यार बहुत गंदे बंदे हो यार, तुमने मतलब नाम रीड करा पर रिस्पोंड बैक करने पे क्या बोला कि भाई ऐड नहीं करूंगा। इसको एरिया दिखा दे भाई, इसको एरिया दिखा दे यूके का। दिखाता हूँ भाई, देखो टाइम यहाँ पे हो रहा है यार। तो तुम यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? मैं ब्राइटन में रहता हूँ यार। अच्छा तो यहाँ पे क्यों आए हो इस एरिया में? अरे 2G वाला नेट है भाई उसका। रुको मैं सुमित नारंग भाई को लेता हूँ कॉल पे, जस्ट प्लीज। कोई नहीं, अरे जो भी लोग इसे कमेंट कर रहे हैं भाई ऐड करवा, बोल दिया उसको मैंने, अब ऐड करना हो। चलो सुमित नारंग भाई को ले रहा हूँ मैं कॉल पे। सुमित नारायण भाई आओ कॉल पे। राम राम जी। राम राम, हम कैसे दीपक? राम राम भाई कैसे हो? बढ़िया मेरे जान, बढ़िया। दीपक वो रोहित का फोन उठा लेना है, उसने भेज दिया आपको टिकट? हाँ मुझे टिकट मिल गया है और मेरी अभी पैकिंग कल मैं कर दूंगा सामान की। और आप तैयार है बिल्कुल? हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने कहा पहले उसको भेज दे दीपक को, और अभी यहाँ डिस्क्लोज मत करना, पर्सनल चीजें पर्सनल रहने दो। और पारस भाई चलो फिर ओके, मैं अभी लाइव को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। और सुमित भाई अभी आप कहाँ पर हो? मैं जयपुर में हूँ। तो जरा कैमरा ऑन करके दिखाओ ना क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ तो बहुत। पहले वाली तो वीडियो डिलीट नहीं हो रही, 2-3 और पहुँचा दो यूट्यूब पे। हाँ ये वहीं पे है भाई, कहीं ना कहीं तेरी लाइव पे खतरनाक है कैमरा ऑन करना, तो पहले वाली तो डिलीट हो नहीं पा रही दीपक, और तू अब फिर पहुंचा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप पूरी तरफ से मजे लूट रहे हो जयपुर में। हाँ। और वैसे भी आप जयपुर में इसीलिए जाते हो क्योंकि गुलाबी शहर है और आपको गुलाबी चीजें बहुत पसंद है। लव यू दीपक, लव यू। ठीक है ओके ओके, चलो बाय, तो मिलेंगे हम अभी श्रीलंका में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, टाटा, टेक केयर भाई, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, बाय, ओके बाय बाय बाय, ध्यान रखना, ठीक है दीपक भाई, ओके बाय, ओके बाय। चलो तो जितने भी अपने भाई हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रीलंका आओ 25, 26, 27 को बालीज कसीनो में और खूब एंजॉय करो।